लखनऊ में मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने छात्रों से संवाद किया और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि ये सम्मान समारोह आने वाली चुनौतियों को अभी से तय करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी के लिए है। वहीं यह भी कहा कि जीवन में सफलता के लिए शॉर्टकट तरीका कभी व्यक्ति को स्थायी रूप से सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। सफलता का एकमात्र सूत्र कठिन परिश्रम और परिश्रम सही दिशा में हो, ये बेहद जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और सभी यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य और शिक्षक और प्यारे बच्चों, आज का इस समारोह इन मेधावी छात्रों के सम्मान का समारोह है और इसलिए है कि हम आने वाले समय की चुनौतियों को अभी से तय करते हुए आगे बढ़े। देखिए, आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आज लोगों के पास साधन हुए हैं, उनका भरपूर उपयोग करते हुए आपको आगे का रास्ता निकालना चाहिए। जीवन में सफलता का शॉर्टकट तरीका कभी व्यक्ति को अस्थाई रूप से सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। सफलता का एकमात्र सूत्र है, वो फॉर्मूला है, वह है कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, लेकिन परिश्रम भी सही दिशा में होना चाहिए। आज तो अनेक तरीके अपनाए जा चुके हैं, सरकार ने आपकी सुविधा के लिए अनेक अभिनव प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमें उससे देखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी जगह आप स्कूल कॉलेजेस भी अच्छे बने हैं, जहां निजी विद्यालय हैं उनके अपने संसाधन हैं, अपने साधन हैं, जहां सरकार के द्वारा संचालित गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं या एडेड कॉलेजेस हैं, वहां पे उनके पास भी सरकार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, अच्छे शिक्षक दे रही है, अच्छे लोगों की वहां तैनाती कर रही है, वहां पर भी एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए वहां पर अच्छा भवन बनाने के लिए, अच्छी लैब बनाने के लिए, अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए वहां पर दे रखी है और उसको लगातार उसके उन्नयन की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, नीट की, आईआईटी जेई की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हर जनपद में हम लोगों ने आज के दिन पर अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ किए हैं। अभ्युदय कोचिंग कोरोना कालखंड में सरकार ने प्रारंभ किया और अभ्युदय कोचिंग इसके पिछले 3 वर्ष के जो परिणाम आए हैं बहुत रोचक और बहुत ही अच्छे आनंददायक परिणाम आए हैं। अनेक छात्र, क्योंकि ये फिजिकली भी है और वर्चुअली भी है, उनकी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इस दिशा में सरकार के द्वारा अनेक प्रयास बेसिक में, माध्यमिक में करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये पाठ्यक्रम से लेकर के और इस प्रक्रिया को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा अलग अलग स्तर पर किए जाने वाले प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दिश से मैं चाहूंगा कि हम उन सब का लाभ लें। आज का जो सम्मान समारोह है ये आज यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश भर में हो रहा है और मैं चाहूंगा कि सम्मान समारोह को केवल एक औपचारिक सम्मान समारोह ना मनाए, यह केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, इसको भी एक चुनौती के रूप में ले। चुनौती इस बात की कि आज आपको सम्मान किया गया है, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए, उस मेरिट को बरकरार रखते हुए उससे आगे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास, अपना आंकलन करना,
पिछले एक वर्ष के अंदर, पिछले दो वर्ष के अंदर आपने कितनी मेहनत की, कितने प्रयास हुए, कितना सार्थक था, कितना निरर्थक था, कहाँ पर समय बचत करके आप रिलैक्स मोड में रह करके इस कार्यक्रम, इस अपने मेहनत को सार्थक दिशा में ले जा सकते थे, ये सभी चीजें आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भर से आए हुए सभी प्रतिभाशाली छात्रों को, जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। उनके अभिभावकों को भी, उनके गुरुजनों को भी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ।